श्याम तुम ना कभी नहीं समझोगे, बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। तुम्हें पता है मेरे पापा ने ना मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक बार नारद मुनि ने भगवान जी से पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो भगवान जी ने एक ऐसे किसान का नाम लिया जो कि कभी उन्हें याद ही नहीं करता था, और नारद मुनि जो हर वक्त उन्हें याद करते थे, उनका नाम जपते रहते थे, वो तो बहुत नाराज हो। और तभी विष्णु ने नारद मुनि को एक काम दिया, उनसे कहा कि आप एक कटोरे में पानी लीजिए और इस पृथ्वी के पूरे 3 चक्कर लगाइए, और हाँ इस बात का विशेष ध्यान रहे कि उस कटोरे में से पानी की एक बूंद बाहर ना निकले। नारद ने बिल्कुल वैसे ही किया, और नारद के वापस लौटने पर नारायण ने उससे पूछा कि तुमने मुझे कितनी बार याद किया, और तब नारद मुनि सोच में पड़ गए और वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए। चल अब तुम बताओ कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा। तुम ना सच में बुद्धू हो, सच में। अब ध्यान से सुना, मैं बता रही हूँ, ठीक है। हमने इस कहानी से ये सीखा कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से कोई इनका भक्त नहीं बनता। असली भक्त वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। आप समझे?